नमस्कार दोस्तों, दोस्तों आइए आज देखते हैं मैथमेटिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस। दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये जो चैप्टर होता है वो कॉन्सेप्चुअल होता है। क्योंकि अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगा तो आप इस चैप्टर पे कमांड नहीं कर सकते, लेकिन यदि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आप इसका इस चैप्टर पे कमांड कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे प्रॉफिट एंड लॉस, या इसको बोला जाता है लाभ तथा हानि, लाभ तथा हानि। क्लियर? देखिए दोस्तों कैसे, लाभ तथा हानि में कुछ आपको की पॉइंट याद रखने हैं जिनकी वजह से या जिन पर पूरा चैप्टर डिपेंड होता है। जैसे देखिए, सबसे पहले होता है मार्केट प्राइस, या इसको बोला जाता है अंकित मूल्य, अंकित मूल्य, या इसको बोला जाता है सूची मूल्य, या इसको बोला जाता है सूची मूल्य, अंकित मूल्य या सूची मूल्य। अब जरा ध्यान से देखिए अंकित मूल्य क्या होता है। तो दोस्तों मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं, उसको सुनिए। वह मूल्य जो वस्तु की पैकिंग पर अंकित होता है, वह मूल्य जो वस्तु की पैकिंग पर अंकित होता है उसे अंकित मूल्य या सूची मूल्य कहते हैं। जैसे आप कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी वस्तु आप जब भी लेने जाएंगे तो आप देखते हैं कि अगर ये मार्कर हमको खरीदने जाना है तो इसमें हमने देखिए एक सूची मूल्य लिखा है मार्केट प्राइस, याल मैक्सिमम रिटेल प्राइस। क्लियर? या ऑल टैक्सेस इंक्लूड, कितने का है ये, मान लीजिए 25 रुपए लिखा हुआ है, तो ये कितने का है 25 रुपए। तो जो क्या है, जो पैकिंग पर अंकित होता है उसी को सूची मूल्य कहते हैं या अंकित मूल्य कहते हैं। दूसरा आपको कीवर्ड याद रखना है इसमें कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस को आप बोलते हैं क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस को बोला जाता है दोस्तों क्रय मूल्य, या क्रय मूल्य का मतलब जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है, जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है उसे क्रय मूल्य कहते हैं। अब जरा देखो, जैसे हमने ये वस्तु 25 रुपए में हमने खरीदी, हमको ये मार्कर कितने में मिला, 25 रुपए में मिला, तो इसका ये क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा, और जो इस पर रेट लिखा हुआ है ये क्या हो जाएगा, अंकित मूल्य हो जाएगा। बस एक चीज आपको याद रखनी है, क्लियर, ये आपको नोट में याद रखनी है कि जो अंकित मूल्य होता है वो सदैव क्रय मूल्य से अधिक होता है, जो अंकित मूल्य होता है वो क्रय मूल्य से सदैव अधिक होता है, तभी तो आपको छूट दे देते हैं। क्या दे देते हैं, मान लीजिए मार्कर 30 रुपए का है, लेकिन 30 रुपए इस पर लिखा है, 30 रुपए इस मार पर लिखा है, इसका मतलब अंकित मूल्य है, और अगर ये मुझे 25 रुपए में मिला तो ये इसका क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य है। जो मूल्य लिखा होता है हमेशा क्या होता है, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से सदैव बड़ा होता है। कहने का मतलब है जो मार्केट प्राइस इज ग्रेटर देन सीपी, या इसका मतलब हो जाएगा कॉस्ट प्राइस, हमेशा जो अंकित मूल्य होता है वो क्रय मूल्य से सदैव अधिक होता है। इतना चीज क्लियर हो गया। तीसरा इसमें कीवर्ड आपका बार बार यूज होगा सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस का मतलब क्या होगा दोस्तों, विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस को बोलते हैं विक्रय मूल्य। क्योंकि जब तक ये कीवर्ड आपको नहीं आते तब तक इस चैप्टर पे आप कमांड नहीं कर सकते। क्लियर? अब सेलिंग प्राइस क्या होता है, जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है, जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है उसे क्या कहते हैं, सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य कहते हैं। क्लियर? अब आइए नेक्स्ट, इसके बाद फिर सेलिंग प्राइस, अब इसके बाद प्रॉफिट, प्रॉफिट को क्या बोलते हैं हम, लाभ बोलते हैं, प्रॉफिट को क्या बोलते हैं, लाभ। अब जरा लाभ क्या होता है उसको समझिए, लाभ आपको कब होगा, जितने में वस्तु आपने खरीदी है अगर उससे अधिक में आप बेचते हैं तो आपको क्या होगा, लाभ होगा। यदि मान लेते हैं आपने किसी वस्तु को 10 रुपए में खरीदा और उसे 20 रुपए में बेच दिया तो आपको 10 रुपए का प्रॉफिट हुआ,
तो दोस्तों लाभ बराबर अगर हम देखें कि लाभ बराबर या P for profit बराबर क्या होता है हमेशा ESP माइनस CP जो लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। कहने का मतलब है कि लाभ आपको कब होगा जब आपने ये मार्कर 20 रुपए में खरीदा और इसे 30 रुपए में बेच दिया तो आपको 10 रुपए का लाभ हुआ। तो जो प्रॉफिट होता है वो हमेशा SP is greater than CP होता है। क्लियर। जो लाभ हमेशा प्रॉफिट आपको तब होगा जब विक्रय मूल्य का मान अधिक होगा और क्रय मूल्य का मान कम होगा। क्लियर। तो कब होगा आपको प्रॉफिट होगा। अब यदि आपको लाभ प्रतिशत निकालना है, चलिए मैं ही बताता हूं। लाभ प्रतिशत पी प्रॉफिट, लाभ प्रतिशत बराबर क्या होगा, लाभ कुल लाभ या क्या होगा पी अपान प्रारंभिक मूल्य। प्रारंभ में क्या होगा सीपी, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का गुणा परसेंट का चिन्ह लगा देते हैं। क्लियर। ये दोस्तों क्लियर हो गया। अगर किसी ने लाभ पूछा तो लाभ कब होगा जब एसपी इज ग्रेटर देन सीपी होगा। क्लियर। जब विक्रय मूल्य का मान अधिक होगा और क्रय मूल्य का मान कम होगा तो वहां पर हमेशा लाभ होगा। अब लाभ प्रतिशत कोई निकालना चाहता है कि लाभ प्रतिशत क्या होगा, तो लाभ प्रतिशत बराबर कुल लाभ जो आपने घटा के निकाला था ये वाला, कुल लाभ अपान प्रारंभिक मूल्य। प्रारंभ में क्या होता है सीपी, जो आप खरीदते हैं वो प्रारंभ में होता है, जो बेचते हैं वो बाद में होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सीपी, और किसी भी वस्तु को या किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलना है तो क्या करते हैं 100 का गुणा और प्रतिशत का चिन्ह लगा देते हैं। तो दोस्तों ये फार्मूला इसमें वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट कर लें। क्लियर। क्योंकि जगह नहीं है। अच्छा चलिए ऊपर वाला मैं मेट देता हूँ, इतना क्लियर है। अब हम क्या करेंगे लॉस पे चर्चा करेंगे। तो मार्केट प्राइस आपके समझ में आ गई होगी। मार्केट प्राइस क्या होता है, जो वस्तु के पैकिंग पर अंकित होता है उसे मार्केट प्राइस कहते हैं। कॉस्ट प्राइस क्या होता है, जिस पर हम किसी वस्तु को खरीदते हैं वो कॉस्ट प्राइस होता है। विक्रय मूल्य किसे कहते हैं, सेलिंग प्राइस, जिस पर कोई वस्तु हम बेचते हैं उसे सेलिंग प्राइस कहते हैं। अब देखें यहाँ पर तीसरा क्या है, लॉस। अब हम लॉस पे अगर चर्चा कर ले तो लॉस हमारा क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। अब लॉस क्या होता है, जितने में आपने वस्तु खरीदी है यदि उससे कम में आपने वस्तु बेच दी तो क्या होगा आपको लॉस होगा। जैसे एग्जांपल, अगर आपने ये मार्कर 25 रुपए में खरीदा और आपने इसे 10 रुपए में बेच दिया। क्लियर। अगर 25 में आपने खरीदा और 10 रुपए में बेच दिया तो आपको क्या हुआ, 15 रुपए का लॉस हो गया ना। तो जैसे अब यहां लॉस निकालना है तो L बराबर सीपी माइनस एसपी। क्लियर। क्या होगा लॉस कब होगा, जब हमारा क्रय मूल्य का मान अधिक होगा और विक्रय मूल्य का मान कम होगा। जैसे दोस्तों सीपी इज ग्रेटर देन एसपी, जरा इसमें देखिए एसपी इज ग्रेटर देन सीपी होगा तो प्रॉफिट होगा, लेकिन अगर सीपी का मान बड़ा होगा, क्रय मूल्य का मान बड़ा हो और विक्रय मूल्य का मान छोटा हो तो वहां पर हमेशा क्या होगा आपको लॉस होगा। अब यदि कोई लॉस प्रतिशत निकालना चाहता है तो लॉस परसेंट बराबर क्या होगा, कुल लॉस जो ये निकला है, लॉस अपान सीपी, सीपी मतलब प्रारंभिक मान, और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का गुणा प्रतिशत का चिन्ह लगा देते हैं। क्लियर। ये आपका हो गया लॉस प्रतिशत। क्लियर। तो दोस्तों ये आपने प्रॉफिट समझा, लॉस समझा। अब इसमें एक प्रॉपर्टी और बनती है, देखिए वो प्रॉपर्टी क्या है, नो लॉस नो प्रॉफिट। क्लियर। तो इतना आप नोट कर लें, ये राम बाण है फार्मूले, पूरा चैप्टर इन्हीं फार्मूलों पर डिपेंड है। क्लियर। इन फार्मूलों को अगर आपने मुंह जबानी याद रख लिया, और याद नहीं रखना है सिर्फ समझना है। अब हम चलते हैं 6 नंबर पे। तो 6 नंबर में आपको जो सीखना है वो दोस्तों होता है नो लॉस नो प्रॉफिट। क्लियर। आइए मैं यहां समझा देता हूं। जो छेमा टाइप आपको याद रखना है वो क्या होता है, नो लॉस नो प्रॉफिट, नो लॉस और नो प्रॉफिट।
नो लॉस और नो प्रॉफिट का मतलब क्या होता है कि जब हमारा पी इज इक्वल टू एल हो जाए, पी मतलब क्या है, लाभ बराबर हानि हो जाए, तो लाभ का मान मान लीजिए 10 हो गया, पी बराबर कितना आया 10 और एल बराबर भी कितना आया 10, तो दोनों मान आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए, तो उस समय क्या होगा, नो लॉस नो प्रॉफिट, यानी कि क्या हो जाएगा 0% का नो लॉस नो प्रॉफिट। ये कंडीशन कब बनेगी, जब प्रॉफिट हमारा, जब लाभ हमारा हानि के बराबर हो जाएगा तो क्या होगा, नो लॉस नो प्रॉफिट। क्लियर, तो ये कंडीशन याद रखिएगा। नेक्स्ट 7, कंडीशन नंबर 7 पे चलते हैं। क्लियर, आइए अब चलते हैं कंडीशन नंबर 7। तो देखिए कंडीशन नंबर 7 क्या कहता है। क्लियर, सभी बच्चे देखें कंडीशन नंबर 7 क्या कहता है, इसको मिट देता हूं। अब ये लॉस हो गया, अब इसके बाद कंडीशन नंबर 7 देखें सभी बच्चे, यहां पे 7 नंबर की कंडीशन आपको याद रखनी है, वो क्या होती है, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे। कंडीशन नंबर 7 में क्या होता है, देखिए मैं सुना रहा हूं, वस्तु को लाने व ले जाने में, वस्तु को लाने व ले जाने में तथा अन्य व्यय वस्तु के क्रय मूल्य में सम्मिलित कर देते हैं। क्लियर, कहने का मतलब आप समझिए ऐसे, 7वां पॉइंट क्या है कि वस्तु के लाने ले जाने में, मान लेते हैं ये कोई फ्रिज है। क्लियर, ये कोई फ्रिज है, मान लेते हैं ये फ्रिज है। अब हमने फ्रिज को देखा कि फ्रिज का जो दाम है वो 5,000 रुपए है, हमने मान लिया कुछ देर के लिए फ्रिज का दाम 5,000 रुपए है, तो आपने फ्रिज कितने में खरीदा, 5,000 रुपए में खरीदा। अब क्या करते हैं, जब आप फ्रिज को लेकर के आगे बढ़ते हैं तो आपको एक ट्रॉली करनी पड़ती है, क्या करना पड़ता है, एक आपको ट्रॉली से इसको घर तक पहुंचाएगा कोई बंदा, और जो ट्रॉली से आपके घर तक पहुंचाएगा वो चार्ज करेगा आपको 500 रुपए। क्लियर, कि भाई मैं आपका फ्रिज आपके घर पहुंचा दूंगा, 500 रुपए लूंगा। तो दोस्तों आपने 5,000 तो दुकानदार को दे दिया फ्रिज का दाम, प्लस आपने 500 रुपए किसको दे दिया, ट्रॉली वाले को दे दिया घर तक पहुंचाने में, और खुदा न खास्ता, क्लियर, कि आपका अलमारी का हैंडल टूट गया या कोई स्क्रैच आ गई, तो मान लेते हैं आपने 500 रुपए, क्लियर, हैंडल टूटने वाले को दे दिया या मरम्मत करने वाले को दे दिया, अब जाकर के अलमारी आपके घर या फ्रिज आपके घर पहुंच गया, तो अब देखिए आगे, प्लस ये 500 रुपए भी कहाँ होगा, आपके ही सिस में तो जुड़ेगा। कहने का मतलब अब जब आपके दरवाजे पर ये उतरेगा फ्रिज, तो उस समय इसका दाम कितना हो चुका होगा, 5, 5.5, 6, यानी कि इस समय आपका जो दाम है वो फ्रिज का दाम 6,500 हो चुका होगा। कहने का मतलब है कि किसी वस्तु को लाने व ले जाने में तथा अन्य व्यय या अदर एक्सपेंस वस्तु के मूल्य में सम्मिलित कर दिए जाते हैं। कहने का मतलब आपको ये फ्रिज 5,000 में पड़ा, लेकिन आपके घर तक पहुंचते पहुंचते ये कितने का हो गया, 6,000 का। तो अब ये बताओ कि सभी इसमें सम्मिलित हो गए, अब कोई आपसे पूछेगा आपको फ्रिज कितने का पड़ा, तो आप क्या बोलोगे, अब आप जो या कह सकते हो इसे आप बेचना चाहोगे तो 6,000 के ऊपर ही तो बेचना चाहोगे। तो कंडीशन क्या होती है कि जैसे आप सुनते भी होंगे, यहाँ पे समझ लीजिए कि एक पेप्सी है, क्लियर, एक पेप्सी पर जो कंपनी रेट लगाती है, मान लीजिए 12 रुपए की मोहर मारती है, तो ये क्या होता है, ऑल टैक्सेस इंक्लूड जो लिखा होता है, कहने का मतलब इसमें कंपनी का भी खर्चा होता है, इसमें कंपनी का प्रॉफिट भी होता है, इसमें वर्कर का भी होता है, इसमें आपका टोल टैक्स भी होता है, इसमें आपका इनकम टैक्स भी होता है, क्लियर, या आपका GST भी होता है, जितने एक्सपेंस हैं, क्लियर, या आपका कोई इस कंट्री इस राज्य से उस राज्य में जाना है, तो सभी जितने टैक्स होते हैं वो इसमें जोड़ करके तब आपको ये 12 रुपए की पेप्सी की बोतल मिलती है, कस्टमर तक कितने में पहुंचती है, 12 रुपए की। तो सारे इसमें क्या होते हैं, एक्सपेंस जुड़े हुए होते हैं, सारे खर्चे जुड़े हुए होते हैं। तो यही चीज है, अब इसका जो 7वें नंबर का हम फार्मूला अगर बनाए कि इसको क्या लिखेंगे, तो दोस्तों से लिखते हैं कुल लागत मूल्य बराबर, ऐसे लिख सकते हैं
कुल लागत मूल्य बराबर, कुल लागत मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य। कुल लागत मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस, क्रय मूल्य प्लस अतिरिक्त व्यय। क्या लिख सकते हैं, अतिरिक्त व्यय, अदर एक्सपेंस। क्लियर। अब आपके लिए क्या होगा, कुल लागत मूल्य। अब आपको कुल लागत मूल्य बोला क्रय मूल्य, क्रय मूल्य मतलब जितना आपने दिया, जितने में आपने खरीदा, प्लस अतिरिक्त व्यय जितने अदर एक्सपेंस होते हैं वो भी इसी में जोड़ दिए जाते हैं। क्लियर। तो सातवां पॉइंट भी आपके समझ में आ गया कि अगर कोई वस्तु कहीं पर जा रही है तो रास्ते में जो भी खर्चा होगा वो उसके क्रय मूल्य में सम्मिलित कर दिया जाएगा। क्लियर। अब देखते हैं आठवां पॉइंट इसमें क्या बनेगा, तो इसको भी दोस्तों आप लोग याद रख लीजिएगा। अब हम चलते हैं आठवें पॉइंट पे। देखिए आठवां पॉइंट आपको प्रॉफिट एंड लॉस में क्या याद रखना है, एट नंबर। क्लियर। अगर ये आपने पॉइंट याद रख लिए तो मैं वादा कर रहा हूं कि कोई भी प्रश्न आपका नहीं फंसेगा। देखिए आठवां नंबर क्या है मैं आपको बताता हूं, यदि किसी वस्तु को बेचने पर, यदि किसी वस्तु को बेचने पर, चलिए मैं लिख दे रहा हूं, यदि किसी वस्तु को बेचने पर x प्रतिशत का लाभ अथवा हानि, क्लियर, लाभ अथवा हानि हो तो, लाभ अथवा हानि हो तो, डैश मार के या तो लाभ होगा या तो हानि होगा, तो डैश मार के वस्तु का क्रय मूल्य, तो वस्तु का क्रय मूल्य बराबर, वस्तु का सीपी, वस्तु का क्रय मूल्य बराबर 100/100 प्लस माइनस एक्स। प्लस माइनस अगर प्रॉफिट होगा तो जुड़ेगा और अगर माइनस होगा तो घटेगा, इनटू ईएसपी क्रय मूल्य। ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसमें, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य निकालने के लिए। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, यदि किसी वस्तु को बेचने पर एक्स प्रतिशत का लाभ अथवा हानि होती है, अगर लाभ होगा एक्स परसेंट का तो जुड़ेगा, अगर हानि होगी तो एसओ में से घटेगा, और इनटू एसपी, एसपी का मतलब सेलिंग प्राइस। क्लियर। अब हम यहीं से क्या निकाल सकते हैं, बेचने पर वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, अगर हम में वस्तु का इसी से सेलिंग प्राइस निकाल दें, ये तो क्रय मूल्य आपने निकाला, तो दोस्तों सेलिंग प्राइस क्या होगा, इसको इट इज रहने दो यहीं पर, इसका त्रियक गुणा इधर कर दो, इसको नीचे ले आओ, तो ये फार्मूला क्या हो जाएगा, 100 प्लस माइनस एक्स अपान, ये नीचे आएगा 100 इनटू क्या हो जाएगा, सीपी। तो ये हमारा फार्मूला हो गया। क्लियर। आपको एक याद रखना है, एक अपने आप बन जाएगा। तो अब अगर हमें क्या है, अगर प्रॉफिट है तो इसमें क्या होगा, एक्स जुड़ेगा, अगर इसमें क्या है लॉस है तो एक्स सौ में से घटेगा, अपान सीपी क्या है, क्रय मूल्य। क्लियर। तो ये दो फार्मूले आपको आठवें नंबर पे और भी याद रखने हैं। अब आपने दोस्तों सब सीख लिया, अंकित मूल, क्रय मूल, विक्रय मूल, लाभ हानि, क्लियर, और सीपी और एसपी के दोनों फार्मूले। अब इतनी बेसिक थ्योरी इसकी है, अगर ये इतनी बेसिक थ्योरी आपने पढ़ी है तो आप कोई भी प्रश्न टच कर सकते हैं या सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों हम क्या करेंगे कि अभी हर एक प्रश्न का मैं आपको अलग एक तरीका बताऊंगा या शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, जिसकी वजह से वो प्रश्न जल्दी से जल्दी सॉल्व हो पाएगा। लेकिन अगर आपको सिर्फ इतना पता है तो इस चैप्टर पे आप कमांड कर सकते हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं इतनी थ्योरी के बाद। अब जो थ्योरी और बची है अभी इसमें, वो मैं आपको प्रश्न के साथ साथ बताता चलूंगा। जो भी प्रश्न बताऊंगा उसमें नई थ्योरी या नया ट्रिक अप्लाई कर दूंगा। क्लियर। तो चलिए सबसे पहले आपको क्या करना है, जो पीडीएफ फाइल इसमें दी गई है उसको दोस्तों आप लोग प्रिंट आउट ले लीजिए, जिससे आपका एकदम लेवल वाइज क्वेश्चन दिया गया है, एकदम बेसिक से हाईएस्ट तक। तो आइए मैं क्वेश्चन नंबर 1 उठाता हूं। क्लियर। और धीरे धीरे क्वेश्चन को स्टैंडर्ड तक ले जाता हूं। क्वेश्चन नंबर 1, क्लियर, प्रॉफिट एंड लॉस का थ्योरी के बाद क्वेश्चन नंबर 1। देखिए एकदम पहले बेसिक से करते हैं, फिर एकदम टॉप पर ले जाऊंगा धीरे धीरे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पहली बार पढ़ रहे हैं
और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ चुके हैं, तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चलूंगा। देखिए पहला प्रश्न क्या है, मैं पढ़ रहा हूं, आप लोग नोट कर लीजिए या आप पीडीएफ में दिया गया है। सबसे पहले एक वस्तु 700 रुपए में खरीदी जाती है। एक वस्तु 700 रुपए में खरीदी जाती है, मतलब उसका जो क्रय मूल्य है वो कितना है, 700 रुपए। एक वस्तु 700 रुपए में खरीदी जाती है तथा उसे 910 रुपए में बेचा जाता है, तथा उसे 910 रुपए में बेचा जाता है, तथा उसे 910 रुपए में बेचा जाता है, तो दुकानदार को कितने रुपए तथा कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो दुकानदार को कितने रुपए, यानी कि कितने रुपए का मतलब लाभ कितने का होगा, और इसमें कितने परसेंट का लाभ होगा, ये दो चीजें आपको बतानी है। तो एकदम सिंपल है दोस्तों, अभी आपको मैंने बताया था कि सीपी क्या होता है, कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य, ईएसपी क्या होता है, विक्रय मूल्य। अब ये बताओ इसमें एसपी बड़ा है कि सीपी बड़ा है, तो दोस्तों इसमें जो बड़ा है वो एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, और जब हमारा एसपी बड़ा होता है तो हम क्या करते हैं, प्रॉफिट करते हैं या प्रॉफिट होता है, तो पी इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। अब यहां पर पी इज इक्वल टू एसपी का मान कितना है, 910, यानी कि 910 माइनस 700, 7, 8, 9, तो यानी कि जो P का मान है वो 210 रुपया आ गया, या 210 रुपया हो गया। क्लियर, अब हमें कितने का लाभ हुआ, 210 रुपए का प्रॉफिट हुआ। अब कितने प्रतिशत का प्रॉफिट हुआ, अगर कोई पूछ लेता है कि कितने प्रतिशत का प्रॉफिट हुआ, तो देखिए अब हम जानते हैं कि जब ये निकल गया तो हम जानते हैं कि P परसेंट इज इक्वल टू P अपान CP इंटू प्रतिशत का चिन्ह 100 का गुणा। क्लियर, रख दीजिए वैल्यू, बताइए P का मान अभी आपने निकाला हुआ है 210, CP का मान कितना है 700, इंटू SP कितना हो जाएगा, सॉरी SP नहीं, 100 और परसेंट। क्लियर, काट दीजिए 1, 2, 1, 2, 7, 3, 21, 10 बची, इधर परसेंटेज बचा, यानी कि 30%। क्लियर, अगर प्रतिशत की बात करें तो 30% का प्रॉफिट हुआ, और कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो 210 रुपए का प्रॉफिट हुआ। एकदम बेसिक है, वैल्यू पुट करना सिखा रहा हूं, अभी मैं स्टैंडर्ड क्वेश्चन पे चलूंगा। क्लियर, नेक्स्ट इतना नोट कर लें फिर हम आगे चलते हैं, इतना सभी बच्चे कर ले फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, एकदम बेसिक से चल रहा हूं और एकदम हाईएस्ट तक आपको लेकर के जाऊंगा, बस केवल आपको समय देना पड़ेगा, धीरे धीरे चलने दीजिए। यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ये सारे प्रश्न आपकी पीडीएफ फाइल में दिए गए हैं, आप वहां से प्रिंट आउट ले लीजिए, नीचे लिंक दिया है। देखिए क्या है, एक कार को एक व्यक्ति ने 80,000 रुपए में खरीदा। एक कार को एक व्यक्ति ने 80,000 रुपए में खरीदा, कहने का मतलब है 80,000 रुपए में खरीदा, तो उसका क्रय मूल्य कितना हो गया, 80,000 खरीदा, तथा किसी कारणवश उसे कार को 60,000 रुपए में बेचना पड़ा। किसी कारणवश उसे कार को 60,000 रुपए में बेचना पड़ा। क्लियर, बेचना पड़ा, तो बताइए उसे सौदे में कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि हुई। तो दोस्तों ये बताओ इसमें सीपी बड़ा है या एसपी बड़ा है, तो यहां से हमने चेक किया कि इसमें हमारा सीपी बड़ा है, यानी कि सीपी इज ग्रेटर देन एसपी, और जब हमारा सीपी बड़ा होता है तो क्या होता है, लॉस होता है, तो लॉस इज इक्वल टू सीपी माइनस एसपी होता है। अब लॉस की वैल्यू अगर निकालनी है तो बताइए यहां पर कितना हो जाएगा,
80K हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा 60K, के का मतलब होता है 1000, क्लियर। तो 60 पूरा ना लिख करके शॉर्ट में, तो एल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2000, क्लियर, सॉरी 20000। तो बताइए उसको कितने का लॉस हुआ, 20000 रुपए का लॉस हुआ। अब प्रतिशत यदि निकालना है तो L प्रतिशत बराबर जानते हैं L अपान CP, और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का गुणा प्रतिशत का चिन्ह लगा देते हैं। आइए देखते हैं, तो लॉस बराबर L का मान आपने कितना निकाला है दोस्तों, 20000 अपान CP का मान आपका कितना है 1, 2, 3, 4, 80000, परसेंट में बदलने के लिए 100 का गुणा और प्रतिशत का चिन्ह लगा देते हैं, क्लियर। तो आइए रख देते हैं 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ये हो गया। ऊपर हमारा कितना हो जाएगा 200, और 200 को यदि 8 से हम भाग दें, क्लियर, अगर 200 को हम किससे भाग दें, 8 से भाग दें, तो क्या बार जाएगा, लगभग 25 बार जाएगा, क्लियर। तो ये कितने परसेंट, 25% की हानि होगी। तो इसमें जो हमारी हानि आई, हानि परसेंट बराबर कितना हो जाएगा, 25% की हानि, और पैसे में 20000 की हानि होगी, क्लियर। तो दोस्तों ये बेसिक एकदम से है, अब थोड़ा सा स्टैंडर्ड में आगे बढ़ाऊंगा, क्लियर। धीरे धीरे चलने दीजिए, जिससे सभी बच्चे पढ़ते चले, जिन्होंने कभी नहीं पढ़ा उन्हें भी समझ में आ जाए, और जिन्होंने पढ़ा है उन्हें भी समझ में आ जाए, क्लियर। तो अब आगे नेक्स्ट, थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ाते हुए चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने 24 वस्तुएं 24 रुपए में खरीद कर, कहने का मतलब है कि इसने जो 24 वस्तुएं हैं, क्लियर, 24 वस्तुएं कितने में, 24 रुपए में खरीद कर, खरीदने का मतलब क्या दिया है, सीपी दिया है। एक व्यक्ति ने 24 वस्तुएं 24 रुपए में खरीद कर 1.50 प्रति वस्तु के भाव से बेच दी, क्लियर, बेच दी। ये इसने खरीदा और इसने जो सेलिंग कर दिया वो 1.50 रुपया प्रति वस्तु, क्लियर, प्रति वस्तु के भाव से इसने सेल कर दिया। तो बताइए व्यापारी को, या बताइए सौदे में उस व्यक्ति को कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो अब जरा देखो, एक व्यक्ति 24 रुपए में 24 वस्तुएं खरीदता है, इसका मतलब है कि एक रुपए में कितना होगा, 24/24 क्या हो जाएगा, एक रुपए में एक वस्तु, क्लियर। तो एक रुपए में एक वस्तु खरीदता है, यानी कि इसका जो सीपी है वो कितना हो जाएगा, 1 रुपए, और बेच कितने में रहा है, 1.5 रुपए में। तो बताओ एसपी बड़ा है कि सीपी बड़ा है, तो एसपी बड़ा है कि सीपी बड़ा है, तो एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, इसका मतलब इसमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा। इसमें से इसको लेस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.50 हो जाएगा, क्लियर। अब हमें प्रतिशत में बदलना है, तो पी परसेंट इज इक्वल टू, हम जानते हैं क्या होता है, पी अपान प्रारंभिक मूल्य। तो पी का मान क्या हो जाएगा, अपान प्रारंभिक मूल्य कितना हो जाएगा, 1, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का गुणा परसेंट का चिन्ह लगा देते हैं। अब यहां से जब कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 50%, क्या परसेंट का प्रॉफिट, 50% का प्रॉफिट हो जाएगा, क्लियर, 50% का प्रॉफिट हो जाएगा, नोट कर ले इतना, क्लियर। कहने का मतलब है एक व्यक्ति ने 24 वस्तुएं 24 रुपए में खरीद कर 1.50 रुपए प्रति वस्तु के भाव से बेच दी, सौदे में उस व्यक्ति को कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, क्लियर। इतना दोस्तों नोट कर लीजिए, इतना आप लोग नोट कर लें, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए इसके बाद फिर देखते हैं, अब यदि ये आपके समझ में आ गया तो आइए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, तीसरा क्वेश्चन नंबर 3, क्लियर, अपना क्वेश्चन नंबर डालते चलिए, 3, 4 जो भी है, क्वेश्चन नंबर 4, क्लियर। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ध्यान से समझेंगे सभी बच्चे। कह रहे हैं
इनका कहना है, देखिए ध्यान से, एक रेडियो को 950 रुपए में बेचने से, बेचने मतलब क्या दिया है, सेलिंग प्राइस दिया है, एक रेडियो को 950 रुपए में बेचने से मुझे 5% की हानि होती है, यानी कि 5% का लॉस होता है। एक रेडियो को 950 रुपए में बेचने से मुझे 5% हानि होती है, इसे 1040 रुपए में बेचने से मुझे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। अब बताओ इधर कि ये अगर दो चीज़ें जब दी हों तो आप क्या निकाल सकते हो। कह रहा है कि 950 रुपए में बेचने से 5% की हानि होती है, तो इसका मतलब है कि वो आपने कितने रुपए में खरीदा था पहले ये तो निकाल ले। तो हमने यहाँ से अगर निकालने चले तो बताइए सीपी बराबर हम क्या जानते हैं, सीपी बराबर 100 अपॉन, ऊपर देखिए मैंने बताया है 100 अपॉन 100 प्लस माइनस, तो प्लस माइनस का मतलब इसमें से घटेगा, कितना घटेगा 5 इंटू एसपी का मान 950। क्लियर। अब हमने यहाँ से सीपी फाइंड आउट कर लिया, ऊपर 100 अपॉन 95 इंटू 950, दिस कैंसिल आउट, ये 10 हो गया, यानी कि जो सीपी का दाम हो गया वो 1000 रुपये हो गया। क्लियर। तो ये वैल्यू हमने अब कितनी निकाल दी, 1000 रुपये। कहने का मतलब है कि 1000 रुपये का रेडियो था, हमने 1000 रुपये में रेडियो खरीदा था और उसको हमने बेचा था 950 रुपये में, जिससे हमें क्या हो गया, लॉस हो गया। कितने परसेंट का, 5% का हमें लॉस हुआ था। अब क्या कह रहे हैं, यदि इसे 1040 रुपये में बेचा जाए तो मुझे कितने परसेंट का लाभ होगा। अब कितने में, इतने में बेच दिया तो 5% का ये हो गया, जिससे हमने कितने में खरीदा था, 1000 रुपये में। अब कह रहा है कि 1040 रुपये में यदि इसको बेचा जाता, 1040 रुपये में अगर इसको बेचा जाता तो कितने परसेंट का हमें प्रॉफिट होता। तो दोस्तों अब यहाँ देखो, कितने में खरीद रहा है, 1000 में, बेच कितने में रहा है, इतने में। तो बताओ एसपी बड़ा है कि सीपी, तो एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, इसका मतलब है कि हमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा। अब जब प्रॉफिट होगा तो कितने का होगा, इसमें से इसको घटाएंगे, 40 रुपये का प्रॉफिट होगा। अब यदि कोई परसेंट पूछ ले तो हम जानते हैं कि पी परसेंट बराबर पी का मान कितना है, 40 अपान प्रारंभिक मूल्य, प्रारंभ कितना है 1000, प्रारंभिक मूल्य यानी कि सीपी, प्रारंभिक मूल्य मतलब सीपी, और परसेंट में बदलने के लिए 100 का गुणा परसेंट का चिन्ह लगा देते हैं। तो 1 2 3 1 2 3 कितने परसेंट, 4% का क्या हो जाएगा, हमें लाभ हो जाएगा, या 4% का प्रॉफिट हो जाएगा। क्लियर। नोट कर लें दोस्तों इसको भी, 4% का हमें प्रॉफिट होगा, 4% का प्रॉफिट हो जाएगा। क्लियर। आइए नेक्स्ट आगे चलते हैं, फिर से क्वेश्चन नेक्स्ट चेंज करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से देखते हैं, अब यहां से देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, या टाइप नंबर 5 देखिए, कुछ भी है, टाइप भी कह सकते हो। क्या है क्वेश्चन नंबर, ध्यान दें, किसी वस्तु को 48 रुपए में बेचने पर, बेचने पर 20% की हानि होती है। अब यहाँ से 20% की क्या होती है, हानि होती है। 20 हानि परसेंट कितना, 20% की हानि होती है, 20% लाभ कमाने के लिए इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। अब इतने की, जितने की हानि होती है उतने का लाभ कमाने के लिए उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। तो जब ये दो चीज़ें दी हैं तो आप बता सकते हैं कि इन दोनों से हम क्या निकाल सकते हैं, सीपी पहले निकालेंगे। क्या हम इनसे निकाल दें कि आखिर 20% का हमें लॉस क्यों हुआ, आखिर हमने कितने में खरीदा था जो कि 48 में बेचने से 20% का हमें लॉस हो गया।
तो अब हमें यहां से निकालेंगे, हम जानते हैं इसका फार्मूला 100 अपॉन 100 प्लस माइनस, तो इसको घटेगा तो कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, और इनटू एसपी, एसपी आपका कितना है 48 है। ये फार्मूला ऊपर दोस्तों बताया गया है। अब यहां से देखो, दिस से दिस कैंसिल आउट, क्लियर, 8 × 6 = 48, यानी कि जो सीपी का दाम है वो 60 रुपए है। कहने का मतलब कि आपने उसको खरीदा था 60 रुपए में और आपने बेचा 48 रुपए में, जिसकी वजह से आपको 20% का लॉस हुआ या हानि हुई। तो अब हमने वो इसका सीपी कितना है 48 रुपए। अब कहने का मतलब है कि 60 रुपए की वस्तु को जब 48 में बेचा तो 20% का हानि हुआ। अब हमें कह रहा है कि इसको हम कितने में बेचें कि हमें 20% का प्रॉफिट हो जाए। तो अब इससे, इन दोनों से हमने निकाला था ये, लेकिन अब इन दोनों से क्या निकलेगा, इन दोनों से सीपी निकला। अब ये हमें मूल्य पता है कि इतने में हमने खरीदा था, और 20% का अगर हमको लाभ कमाना है तो इसे हमें कितने में बेचना होगा, क्लियर। अब इन दोनों से निकाल देते हैं, तो इन दोनों से क्या निकलेगा, जब सीपी और पी दिया हो तो क्या निकलेगा, एसपी इज इक्वल टू, और एसपी आप जानते हैं क्या होता है, 100 प्लस माइनस, तो यहाँ पर प्लस करना है, यानी कि 20 अपॉन 100 और इनटू एसपी। एसपी दोस्तों कितना है इसमें, 60 है, क्लियर। निकाल दीजिए तो क्या हो जाएगा, एसपी इज इक्वल टू 120 अपॉन 100 × 6, 60 हो जाएगा, 1212, क्लियर। अब यहाँ पर 12 × 6 = 72, कितना रुपए, 72 रुपए। आपको कितने में बेचना होगा, 72 रुपए में बेचना होगा, तब आपको 20% का क्या होगा, लाभ होगा। कितने में बेचना होगा, 72 रुपए में बेचना होगा, तब आपको 20% का लाभ होगा। कहने का मतलब, जिस 60 रुपए की वस्तु को जब 48 रुपए में बेचा तो 20% की हानि हो गई, और अगर 20% प्रॉफिट कमाना है तो 60 रुपए की वस्तु को कितने में बेचना होगा, 72 रुपए में बेचना होगा, क्लियर। तो दोस्तों अप्रोच समझिए, पकड़ में आ रहा होगा कि जब तक आप इसके अंदर नहीं घुसोगे, जब तक आप समझोगे नहीं कि कहां से उठा रहा है, कहां से क्या कर रहा है, कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है, तब तक दोस्तों रट नहीं सकते। इसलिए मैथ कभी भी रटिएगा नहीं। आइए नेक्स्ट, इसके बाद क्वेश्चन चेंज करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, क्लियर। आइए क्वेश्चन नंबर 6, या कह सकते हो टाइप नंबर 6, ये सब मैं टाइप टाइप करके आपको बता रहा हूं, क्लियर। टाइप नंबर 6 देखते हैं कि टाइप नंबर 6 क्या कहता है। टाइप नंबर 6 का प्रश्न क्या है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी बच्चे देखें। कह रहा है, एक वस्तु को निर्माता, निर्माता मतलब जो बनाता है, एक वस्तु को निर्माता 10% लाभ पर, निर्माता 10% लाभ पर, कौमा थोक विक्रेता 15% लाभ पर, तथा फुटकर विक्रेता 25% लाभ पर बेचे, तथा इसका फुटकर मूल्य 1265 रुपए हो, तो निर्माता की इस वस्तु पर कितनी लागत आई, निर्माता की इस वस्तु पर कितनी लागत आई। मतलब समझो, अगर ये मार्कर है, क्लियर, अगर ये मार्कर है तो कंपनी, ये कंपनी से जब निकलता है दोस्तों, तो ये मात्र 1 रुपए का निकलता है, और उस 1 रुपए में भी कंपनी को प्रॉफिट होता है। जब ये कंपनी से थोक विक्रेता के पास जाता है तो थोक विक्रेता भी इस पे 1 रुपए कमा लेता है, थोक विक्रेता से जब ये फुटकर विक्रेता पर जाता है तो वो भी 1 रुपए कमा लेता है। तो कहने का मतलब, ऑल टैक्सेस इंक्लूड का मतलब है कि ये कस्टमर तक पहुंचते पहुंचते ये 25 रुपए का मार्कर बन जाता है। तो जैसे यहां पर समझो कि निर्माता की उस वस्तु पर कितनी लागत आई, कोई भी प्रोडक्ट आप निकाल सकते हो कि कंपनी ने इसको कितने में बनाया। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले मान लेते हैं कि जो कंपनी है, मान लेते हैं कंपनी को, कंपनी का जो निर्माता का है, कंपनी का क्या कह रहे हैं, माना उस वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो 100 रुपए है, क्लियर। कंपनी का जो सीपी है, कंपनी का जो सीपी है वो 100 रुपए का है। मान लेते हैं कि कंपनी ने इसको कितने में बेचा, 100 रुपए में बेचा। ध्यान दीजिए,
अब यहाँ से जो कंपनी का जो क्रय मूल्य है वो एक्स रुपये है, तो एक्स रुपये ध्यान दीजिएगा, एक्स रुपये कंपनी का है, लेकिन इस पर भी कंपनी 10% का क्या है क्वेश्चन, एक वस्तु को निर्माता 10% लाभ पर, तो इस पर 10% लाभ का मतलब क्या हो जाएगा, अगर इस पे हम 10 एक कंपनी इस पर 10% का लाभ, तो लाभ और प्रॉफिट का मतलब क्या है, डायरेक्ट 100 में बढ़ाइए और डायरेक्ट 100 में घटाइए, तो ये क्या हो जाएगा 110 हो जाएगा, क्लियर, 10 बढ़ेगा तो ये कितना हो जाएगा 110% हो गया, ये हमारा कंपनी से बाहर हो गया, ध्यान दीजिएगा ऐसे कर देता हूं, ये हमारा कंपनी का दाम हो गया, कंपनी ने एक्स रुपए में बनाया 10% के लाभ पर थोक विक्रेता को दे दिया, अब ये पूरा डिब्बा किसके पास पहुंचा, थोक विक्रेता के पास, अब थोक विक्रेता इसे क्या कहते हैं कंपनी, क्लियर, इसे कहते हैं कंपनी या निर्माता, चलो ऐसे लिख देता हूं, ये हो गया निर्माता, अब ये निर्माता ने एक्स रुपए में मान लीजिए बनाया 10% के लाभ पर थोक विक्रेता को दे दिया, अब इस पूरे पैकेट पर थोक विक्रेता 15% का लाभ कमाता है, तो 15 क्या होगा डायरेक्ट 15%, तो अब ये जो पैकेट पहुंचा ये पूरा पैकेट ये किसके पास हो जाएगा, इस पे किसने कमाया, थोक विक्रेता, ये कौन हो जाएगा थोक विक्रेता, इसने 10% कमा लिया, अब इसके बाद ये पैकेट किसके पास पहुंचा, फुटकर विक्रेता जो दुकानों पर पहुंचाता है वो इस पर 25%, तो 125 हो गया, सीधे 100 में बढ़ाइए 125%, अब ये क्या हो जाएगा पूरा थोक विक्रेता के बाद फुटकर, क्या होता है फुटकर, और कह रहा है फुटकर विक्रेता, इसका फुटकर मूल्य 1250 है, तो फुटकर विक्रेता इतना कमाता है और इसका जो मूल्य है वो 1200, फुटकर मूल्य 1265 रुपए है, क्लियर, यही इसका मान दिया गया है, अब इसी को आप सॉल्व कर लीजिए, तो कंपनी का कितना था मान लेते हैं एक्स लागत आई, मान लिए कंपनी की लागत एक्स आई, जिस पे 10% उसने कमाया कंपनी ने, कंपनी का हो गया, फिर इस पूरे 10% तो कंपनी ने कमाया, जो ये पैकेट थोक विक्रेता के पास पहुंचा तो उसने इस पूरे पर 15% कमाया, और ये जब पूछ उसके पास पहुंचा तो इसने पूरे पर 25% कमाया, और कह रहा है कि फुटकर दाम कितना दिया गया है 1265 रुपए, तो बताइए कंपनी के निर्माता या कंपनी ने इसको कितने रुपए में, कंपनी से ये कितने रुपए में निकला होगा या उसकी लागत कितनी आई होगी, तो ये क्लियर हो गया सभी का, अब इसी को हम सॉल्व कर देते हैं, ये निर्माता ये फुटता थोक और फुटकर, क्लियर, अब इसी को हम सॉल्व कर देते हैं, थोड़ा मेटना पड़ेगा, देखो दोस्तों यहाँ पर कर देंगे तो एक्स इंटू 110 बटे 100, क्योंकि परसेंट का मतलब होता है 1/100, इंटू 115 बटे 100 इंटू 125 बटे 100 इज इक्वल टू 1265, इसी को सॉल्व कर डालिए, तो देखिए कैसे होगा, अगर इसको हम काटें तो ये कितना होगा 25 चौको 100 और 25 पंचे हो जाएगा, क्लियर, बस अब इसको काटते चलिए जो होगा वही आंसर हो जाएगा, अब यहाँ पर 5 से काटो इसको, 1 से इसको काट दीजिए, क्लियर, 1 से 1 इसको काट दीजिए, इधर 5 से भी कट जाएगा, अब यहाँ पर इसको देखो 15 है तो 5 से भी कट जाएगा, 5 दूनी 10 20 हो जाएगा, इसको काटो 5 दूनी 10 और 5 तिया 15 ये भी कट जाएगा, क्लियर, और कुछ कटेगा जो भी कटता जाए काट दीजिए, यहाँ देखो 5 एकम 5, क्लियर, 5 एकम 5, 5 चौको 20 ये भी कट जाएगा, फिर 2 से काट दीजिए या आगे इधर काट दीजिए, क्लियर, इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, तो जो x का मान आएगा, क्लियर, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, x का मान दोस्तों आएगा, वो आएगा आपका 800 रुपये, कितना आएगा 800 रुपये, इसको आप लोग सॉल्व करें, क्लियर, इसको सिर्फ सॉल्व करना है, अब आप सोचो कि कंपनी ने मात्र 800 रुपये में प्रोडक्ट बनाया और मार्केट तक पहुँचते पहुँचते कितने का हो गया 1265 रुपए का हो गया, क्लियर, इसको बस दोस्तों सॉल्व कर लीजिएगा, काटना है, क्लियर, 1200 कंपनी ने कितने का बनाया, मात्र 800 रुपए की लागत आई, लेकिन मार्केट तक पहुंचते पहुंचते वो कस्टमर को 1265 रुपए में मिला, अब आप सोचिए कि 12 यानी कि सीधे सीधे 400,
आठ चार बारह यानी कि सीधा सीधा 465 रुपए, ये क्या हो गया? बिचौलिया का है या बीच वालों का है, जिससे सबका क्या है, इसी में थोक विक्रेता भी पलता है, इसमें फुटकर विक्रेता भी पलता है, आर्ट टैक्सेस इंक्लूड भी रहते हैं, क्लियर। तो कंपनी का दाम 800 है लेकिन कस्टमर तक पहुंचते पहुंचते 1265 रुपए लग जाता है, और ये फार्मूला सभी प्रोडक्ट पर अप्लाई आप कर सकते हैं, क्लियर। तो नेक्स्ट इसके बाद आइए देखते हैं, टाइप चेंज करते हैं, 7 क्वेश्चन या टाइप 7, टाइप नंबर 7 देखते हैं। टाइप नंबर 7 क्या है, सारे बच्चे देखें यहाँ पे, टाइप नंबर 7 का क्वेश्चन बहुत फेमस है, कई बार आया है। देखिए, एक वस्तु को 625 रुपए में बेचने से उतना ही लाभ होता है, एक वस्तु को 625 रुपए में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितना कि इसे 435 रुपए में बेचने से हानि होती है, इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। तो ध्यान दीजिए, यानी कि कहने का मतलब इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, तो मान लेते हैं इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, एक्स रुपए है, ये हमने मान लिया। अब इस वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो एक्स रुपए है, फिर एक वस्तु को 600 यानी कि जो एसपी का दाम है, एसपी का दाम 625 रुपए है, एक वस्तु को 625 रुपए में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितना कि इसे 435 रुपए में बेचने से हानि होती है। अब जरा देखो, इतने में बेचने से हानि होती है, तो जब हमें सीपी पता और ये पता, तो प्रॉफिट बराबर हम क्या जानते हैं, एसपी माइनस सीपी होता है, और लॉस बराबर हम क्या जानते हैं, सीपी माइनस एसपी होता है, ये हम जानते हैं। लेकिन इसमें कह रहा है कि एक वस्तु को 625 रुपए में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितनी कि 435 रुपए में बेचने से हानि होती है, कहने का मतलब लाभ बराबर क्या है, हानि है, क्लियर, उतना ही लाभ होता है। अब आप इसमें पुट कर दीजिए, वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये कह रहा है कि लाभ बराबर हानि होता है, तो आइए पी का मान यहाँ पर दिया है, पी बराबर एल हो गया, एसपी कितना है 625, सीपी का मान आपने कितना माना है एक्स, लॉस में सीपी का मान एक्स, एसपी कितना है, दूसरे का एसपी है 435, तो यहाँ पर 435, इसी को अगर आप सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इसको इधर ले आओ, उसको उधर ले जाओ, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, या इधर इसको इधर लाओगे तो जुड़ेगा, इसको ले जाओगे इधर जुड़ेगा, तो सभी को जोड़ दीजिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x बराबर 435, 5 5 10 की जीरो, हाँ से लाई 1, 3 3 यहाँ पर क्या हो जाएगा 6, और यहाँ पर 6 4 10, 4 कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका 1060। तो x इज इक्वल टू अगर करेंगे तो बताइए कितना हो जाएगा, 1060 है, और अगर काटेंगे इसको तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 5 2 5 6 10 यानी कि 530 रुपए कितना होगा, 530 रुपए, नोट कर लीजिए, क्लियर, 530 रुपए इसका क्रय मूल्य कितना होगा, 530 रुपए, समझ में आया। फिर से मैं पढ़ दे रहा हूँ, एक वस्तु को 625 रुपए में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितना कि इसे 435 रुपए में बेचने से हानि होती है, यानी कि लाभ बराबर हानि। तो ये पी का मान हमने यहाँ रख दिया और एल की वैल्यू हमने यहाँ रख दी, दोनों आपस में क्या हैं, बराबर हैं, बस सॉल्व कर दिया, यही आंसर हो गया, क्लियर। ये आपका टाइप नंबर 7। आइए नेक्स्ट चलते हैं टाइप नंबर 8 देख लेते हैं क्या है, क्लियर। टाइप नंबर 8 का प्रश्न देखते हैं,
थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अब स्टैंडर्ड बढ़ाते हैं, थोड़ा सा स्टैंडर्ड धीरे धीरे बढ़ाते हैं। देखिए क्या है, एक दुकानदार 9 रुपए में 10 संतरों की दर से खरीदता है। एक दुकानदार 9 रुपए में 10 संतरों की दर से खरीदता है और उन सभी संतरों को 10 रुपए में 9 संतरों की दर से बेच देता है। ज्ञात कीजिए उसे पूरे व्यापार में कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि होगी। अब देखिए जरा यहाँ पे, इसको मैं दो तरीके से बताऊंगा, दोनों को आप लोग ध्यान से समझिएगा, क्लियर सभी बच्चे। तो पहले ये 8वें टाइप का मेथड नंबर 1 देखो, एक तरीका क्या है। पहला तरीका क्या है जो मैंने आपको बताया है, 4 फार्मूले उन्हीं से लगेगा। एक दुकानदार 9 रुपए में 10 संतरे खरीदता है, क्लियर। कहने का मतलब है कि 9 रुपए में कितने, 10 संतरे, 10 संतरे खरीदता है। खरीदने का मतलब क्या करता है, सीपी करता है। तो बताओ एक संतरे का दाम कितना होगा। तो एक संतरा मतलब इधर नीचे इसको लाएंगे, इधर उल्टा मैंने कर दिया है, इसको आप इधर भी लिख सकते हो, इधर भी लिख सकते हो, क्लियर। चलो इधर उल्टा ही सीधा ही लिख देता हूँ। सीपी कितना कर रहा है, 10 संतरों का दाम कितना है, 9 रुपए है। तो बताओ एक संतरे का दाम 9/10 रुपए होगा। क्या कर रहा है, सीपी। अब दूसरे कंडीशन में बेच रहा है, एसपी कितना होगा, तथा वह 10 रुपए में 9 संतरों की दर से बेचता है, क्लियर। 9 संतरे की दर से बेचता है, यानी कि 10 रुपए में 9 संतरे। तो बताओ एक संतरा उसने कितने में खरीदा होगा, 10/9 रुपए हो गया। अब ये बताएं आप कि ये हमारा सीपी है और ये हमारा एसपी है, बताओ इसमें सीपी बड़ा है कि एसपी बड़ा है। तो दोस्तों ये मान हमारा बड़ा है, एसपी बड़ा है। तो जब हमारा एसपी इज ग्रेटर देन सीपी होता है तो हमेशा प्रॉफिट होता है। तो पी इज इक्वल टू, इसमें से इसको घटा दीजिए तो ये 10/9 - 9/10 कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, ऊपर 100 - 9 = 81 / नीचे कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, क्लियर। नीचे कितना हो जाएगा अगर करेंगे, 90। अब यहाँ पर घटा दीजिए इसमें से 9 * 81 और 81 को घटाएंगे तो 19/ कितना हो जाएगा, 90 रुपए का प्रॉफिट हुआ। अब कोई पी परसेंट अगर पूछ लेता है, चलिए पहले इधर कर देता हूँ। अब कोई यदि पी परसेंट पूछ ले तो पी अपान, तो पी का मान अभी आपने निकाला हुआ है 19/90 अपान प्रारंभिक मूल। तो बताइए प्रारंभ में ये वाला होगा ना, क्या हो जाएगा, 9/10। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का गुणा परसेंट का चिन्ह लगा देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 19/90 × 10/9 × 100%। दिस से दिस कैंसिल आउट, ऊपर कर देंगे 1900 और नीचे 9/81% का चिन्ह, इसी को सॉल्व कर लीजिएगा, वही दोस्तों आंसर हो जाएगा 23.45 लगभग आएगा। कितना आएगा, लगभग पी परसेंट आएगा 23.45% लगभग आएगा, क्लियर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि इतने टाइप आपके समझ में एकदम से आ गए होंगे, क्लियर। आइए अब इसका हम दूसरा टाइप आपको लेके चलते हैं कि इसे आप दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखिए, इसका तरीका एक है, ये जनरल तरीका है, किससे, पी लाभ और हानि वाले फार्मूले जो जनरल हैं। अब इसको आप दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, क्लियर। याद रखिएगा ये टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है, इसको बर फार्मूला भी बोलते हैं। अब इसका तरीका नंबर 2 देखो, इसको जो है बर फार्मूला बोलते हैं, बर फार्मूला, क्लियर, बर रूल बोलते हैं। बर रूल क्या होता है, यहाँ पर आप लिख लो वस्तु, क्लियर, और यहाँ पर आप हमेशा लिख लेना मूल, क्लियर। अब ये बताओ कि पहले सीपी करोगे तभी तो कोई चीज़ बचोगे, तो सीपी करेंगे, मान लेते हैं एक्स वस्तु कितने में खरीदी जाती है, 22 रुपए में, मान लेते हैं एक्स वाई के रूप में रख रहा हूँ,
यक्ष वस्तु 22 रुपए में खरीदी जाती है तथा जो बेची जाती है, मान लेते हैं 22 रुपए यक्ष में बेची जाती है। क्लियर, ये मान कुछ भी हो सकते हैं, हमेशा सेम नहीं होंगे। अब जरा इसी को हम सॉल्व कर लेते हैं तो सॉल्यूशन क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट इज इक्वल टू, सबसे पहले इन दोनों का गुणा करेंगे तो एक्स एक्स करेंगे तो एक्स इंटू एक्स, क्लियर, माइनस इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, बाई इंटू बाई अपान इन दोनों का गुणा, यानी कि बाई इंटू बाई, और परसेंट में बदलने के लिए 100 का गुणा परसेंट का चिन्ह लगा देते हैं। अब ध्यान दीजिए कि जब दोस्तों मान हमारा निगेटिव में होगा, जब मान निगेटिव में होगा तो लॉस होगा, मैं लिख दे रहा हूँ, जब प्लस होगा तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा, और जब माइनस होगा तो हमें लॉस होगा, याद रखना है। अब आइए लगा देते हैं, तो देखिए ये फार्मूला बन गया। अब x x अगर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, और बाई बाई यहाँ पर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, बाई स्क्वायर, क्लियर, और यहाँ पर बाई क्या हो जाएगा, बाई स्क्वायर। ये फार्मूला आपको लगाना है जब भी कोई आपसे कहता है कि इतने रुपए में इतनी वस्तु खरीदी जाती है तथा इतने के हिसाब से बेची जाती है, इसलिए ये हमेशा फार्मूला लगेगा। आइए चेक कर लेते हैं। देखिए कोई वस्तु है, पहला क्वेश्चन क्या था, 9 रुपए में 10 संतरे, तो 9 रुपए में यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9 रुपए में 10 संतरे, क्लियर, तथा 10 रुपए में फिर क्या है, 10 रुपए में 9 संतरे, फिर 10 रुपए में कितने, 9 संतरे, 9 रुपए में 10 संतरों की दर से वो खरीदता है तथा 10 रुपए में 9 संतरों की दर से वो बेचता है, क्लियर, तो बताइए लाभ या हानि क्या होगा। तो अब ये हमने किया, इन दोनों का बताइए यहाँ गुणा करेंगे तो 10 10 यहाँ पर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 9 नमा यहाँ पर देखेंगे तो 9 नमा 81, और नीचे अगर कर देंगे तो बाई का 9 नमा कितना हो जाएगा, 81। अब ऊपर जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो बताइए कितना हो जाएगा, 19/81 हो जाएगा, 19/81 इधर 100 और ये है, तो इसको जब हम कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1900/81%, इसी को सॉल्व कर लेंगे तो ये 23.45% लगभग आंसर आएगा, क्लियर। तो दोस्तों इसे बोलते हैं बर फार्मूला। अभी क्या होगा, आगे बताता हूँ कि कोई वस्तु को वो कहीं से खरीदेगा, किसी वस्तु को कहीं से खरीदेगा और उठा करके एक जगह पर इकट्ठा करेगा और इसके बाद वो तीसरे जगह बेच देगा, क्लियर। तो देखिए वो क्या है, इसका मैं एक प्रश्न आपको और बताता हूं, क्लियर, ये आपको समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट इसका एक प्रश्न और देख लेते हैं बर फार्मूले का। चलिए अभी इसको हटा देता हूं, ये बर फार्मूला है। देखिए आपके SSC CGL में क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान से सुनिए। इसके कई तरीके हैं, मेरे पास और भी इसके कई तरीके हैं। एक दुकानदार कुछ अमरूद 8 रुपए में 5 अमरूद की दर से बेचता है। अब देखो बेचने वाला पहले ये कंडीशन दी है, 8 रुपए में 5 अमरूद की दर से बेचता है, तो पहले बेचने वाला दिया है, बेचता है, जिसे उसने 5 रुपए में 2 अमरूद की दर से खरीदा था, ज्ञात कीजिए उसे पूरे व्यापार में कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि होगी। अभी मैंने आपको बताया था इन दोनों का करना है तो प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट इज इक्वल टू 8 × 16 माइनस इसका करना है 25 अपान 25, परसेंट में बदलने के लिए 100 का गुणा परसेंट का चिन्ह लगा देते हैं। तो अब जरा देखो इसको अगर हम घटाएंगे 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, तो क्या हो जाएगा, ऊपर माइनस 9 बचेगा, देखिए माइनस का बचेगा, माइनस 9 अपान 25 परसेंट का चिन्ह ये लगा देते हैं। 25 × 100, 9 × 36, माइनस 36% और माइनस क्या करती है, कमी को शो करती है, कहने का मतलब उसे 36% की क्या होगी, लॉस हो जाएगी, या 36% की उसे हानि हो जाएगी, क्लियर। तो दोस्तों इस तरीके का यहाँ तक प्रश्न इतना करिए।
अब इसके अलावा चलिए मैं एक और आपको बता ही देता हूँ, क्लियर। तो बर फार्मूला समझ में आ गया कि सीधे आपको कहेगा इतने रुपए में इतना, फिर इतने रुपए में इतना, क्लियर। बताइए लॉस और प्रॉफिट क्या होगा। और जनरल तरीका मैंने आपको बता ही दिया है कि पहले आप क्या करेंगे, आप पहले उसका निकाल दीजिए सीपी, फिर एसपी निकाल दीजिए और अपना जो जनरल वाला है वो फार्मूला लगा दीजिए। आइए देखते हैं नौवां, टाइप नंबर नौ देखते हैं, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए टाइप नंबर नाइन क्या कहता है, सभी बच्चे देखें। टाइप नंबर नाइन का एक प्रश्न बनता है, इसमें अक्सर पूछा जाता है, तो देखिए क्या है प्रश्न, मैं बोल रहा हूँ सारे बच्चे ध्यान से सुने। देखिए क्या है प्रश्न, एक व्यापारी कुछ वस्तुएं 2 रुपए में 3 की दर से खरीदता है, क्लियर। अब मैं यहीं पर बर फार्मूला लगाता हूं, ध्यान से समझिएगा। यहां पर क्या था, वस्तु, यहां पर क्या है, मूल्य है, क्लियर। वस्तु है और मूल्य है, तो पहले क्या कर रहा है, खरीद रहा है, सीपी कर रहा है, सीपी वन, क्लियर। पहले जगह से एक व्यापारी कुछ वस्तुएं 2 रुपए में यानी कि 2 रुपए में 3 की दर से एक जगह से खरीदता है, क्लियर। एक व्यापारी कुछ वस्तुएं 2 रुपए में 3 की दर से खरीदता है और उतनी ही वस्तुएं 3 रुपए में, अब इसमें सीपी टू भी करता है, पहले दोनों खरीद रहा है। ये मान लेते हैं उसने कानपुर से खरीदा और ये दूसरा मान लो उसने इलाहाबाद से खरीदा, अलग अलग शहर से माल खरीद रहा है, क्लियर। उतनी ही वस्तु 3 रुपए में 5 की दर से उसने खरीदा 5 की दर से खरीदा। दोनों प्रकार की वस्तुओं को मिलाकर अब क्या करता है, पहले इन दोनों प्रकार की वस्तुओं को एक जगह इकट्ठा करता है। कहने का मतलब है कि पहले उसने कुछ माल कानपुर से खरीदा और कुछ माल उसने इलाहाबाद से खरीदा और दोनों को उसने आपस में क्या कर दिया, जैसे एक यहाँ से खरीदा, दोनों को जोड़ करके 2 किया। अब उसने किसी तीसरे मार्केट में उसे बेच दिया, क्लियर। तो देखिए ध्यान से इसको कैसे करेंगे, तो सबसे पहले सीपी हम देख लें कि उसको टोटल कितना क्या करना पड़ा। ध्यान से समझिए सभी लोग, कह रहा है कि इतने और इतने की दर से उसने सबसे पहले क्या किया, खरीदा। अब जरा देखो टोटल वस्तु उसके पास कितनी हो गई, टोटल वस्तु इसको जोड़ेंगे अगर तो यहां पर 5 और यहां पर कितना हो गया, 3। तो कह रहा है कुल वस्तु, अच्छा उतनी ही वस्तु जितनी उसने यहां से खरीदी उतनी ही वस्तु यहां से खरीदी, तो जरा देखो यहां से उसने कितनी वस्तु खरीदी, 3, यहां से कितनी खरीदी, 5। अगर इन दोनों को हमें बनाना है बराबर तो इनका क्या लेना होगा, एलसीएम। बताओ इन दोनों का एलसीएम कितना होगा, 15। इन दोनों का एलसीएम कितना होगा, 15। अब ये बताओ कि 15 इसको बनाने के लिए इसमें किससे गुणा करना होगा, 5 से गुणा करना होगा, तो 5 दिया 15 वस्तु हो गई, क्लियर। अब इसमें जब 5 से गुणा करना होगा तो 15 वस्तु हो गई और इसमें किससे करना होगा, 3 से। कह रहा है उतनी ही वस्तु जितनी वस्तु उसने यहां से खरीदी थी उतनी ही वस्तु, तो उतना करने के लिए 3 यहां से 5 यहां से, उतना करने के लिए एलसीएम 15। और इधर भी तो करना होगा, इधर 5 से गुणा करेंगे और इधर 3 से गुणा करेंगे। कहने का मतलब ये 15 वस्तु और ये भी 15 वस्तु, इधर कितना हो गया, 5 × 2 = 10, 3 × 3 = 9 हो गया, ध्यान दीजिएगा। तो अब हमने वस्तु की संख्या क्या कर ली, बराबर कर ली दोनों में वस्तुओं की संख्या हमने क्या कर ली, बराबर कर ली। तो अब जरा देखो दोनों में वस्तुओं की संख्या बराबर हो गई, इसको हटा देते हैं क्योंकि एक वर्ड इसमें यूज है उसको आप समझिए। एक व्यापारी कुछ वस्तुएं 2 रुपए की दर से खरीदता है और उतनी ही वस्तुएं 3 के 5 से खरीदता है, ठीक है। अब इसको जब हम जोड़ेंगे, बताओ ये टोटल सीपी उसने टोटल कितना खरीदा, 15, और कितने मूल्य में खरीदा, तो 10 × 9 कितने में, 19 रुपए में, ध्यान दीजिए। अब उसने टोटल कितनी वस्तु खरीदी, 15, और किसके दर से, 19 के दर से। अब वो बेच रहा है ESP, अब निकालेंगे किसकी दर से बेच रहा है, तथा 2 रुपए में 1 की दर से बेच देता है, तथा 2 रुपए में 1 की दर से बेच देता है। अगर मान लीजिए कोई तीसरा भी खरीदता, पहले यहां से खरीदा फिर यहां से खरीदा फिर कहीं से खरीदता, तो पहले हम समान कर लेंगे,
क्लियर, तब उसको बेचेंगे। तो ये हमने टोटल सीपी निकाल दिया, ये उसने क्या किया खरीदा। अब इस पे कौन सा नियम लगा रहे हैं, बर फार्मूला, और नीचे है एक। अब इसी को सॉल्व कर दीजिए, तो पहले इन दोनों का गुणा, तो यहां पर देखिए प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज इक्वल टू 15 दूनी कितना 30 माइनस इसका, इसका गुणा कितना हो जाएगा 19 अपान नीचे 19 परसेंट, बदलने के लिए 100 का गुणा परसेंट का चिन्ह लगा देते हैं, तो 19 में से घटाएंगे, क्लियर 215.8 लगभग आएगा, 215.8% समथिंग, क्लियर। इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, क्लियर है दोस्तों। तो ये बर फार्मूला से रिलेटेड प्रश्न आपके हो गए हैं। अब मैं आपको इसके बाद आगे का टाइप जारी रखूंगा, क्लियर। तो अब ये जो बेसिक चीजें थी, जो बेसिक चीजें थी या जनरल चीजें थी, वो मैंने आपको बता दी। अब थोड़ा सा स्टैंडर्ड की तरफ हम धीरे धीरे बढ़ेंगे, तो दोस्तों जल्दबाजी मत करिए, धीरे धीरे पढ़ाऊंगा, क्लियर अच्छे से पढ़ाऊंगा। तो ध्यान से देखिए, ये लाभ के हमने समझ लिया, अब इसमें एक डिस्काउंट भी होता है, क्या होता है डिस्काउंट या बट्टा। तो अभी मैं सिर्फ लाभ और हानि पढ़ा रहा हूं, जब लाभ हानि के सारे टाइप हो जाएंगे तो मैं आपको डिस्काउंट का भी या बट्टे का भी चैप्टर पढ़ाऊंगा। बट्टा आपका इसी में इन्वॉल्व होता है, लाभ हानि तथा बट्टा इस चैप्टर का नाम होता है, लेकिन अभी मैं बट्टे का वर्ड यूज नहीं कर रहा हूं, अभी मैं लाभ और हानि पढ़ा रहा हूं, इसके बाद मैं आपको बट्टा भी बताऊंगा, क्लियर। तो घबराने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों इसको पूरा देख लीजिए, पीडीएफ फाइल प्रिंट आउट ले लीजिए, जिसमें आपके अच्छे अच्छे प्रश्न दिए गए हैं, क्लियर। तब तक के नेक्स्ट वीडियो में के लिए धन्यवाद दोस्तों। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो भी आपका 9-10 जो भी टाइप हो, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। क्या है 20 संतरों को बेचने पर, इसमें चार टाइप के प्रश्न बनते हैं, लेकिन मैं आपको जो एक तरीका बताऊंगा उससे आपके चारों टाइप एक ही सूत्र से या एक ही रूल से क्लियर हो जाएंगे। जैसे देखिए 20 संतरों को बेचने पर, 20 संतरों को बेचने पर 5 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, 5 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, क्लियर। आपको सिर्फ इसमें दो चीजें याद रखनी है कि हम जानते हैं कि P बराबर SP माइनस CP होता है, और हम जानते हैं कि L बराबर CP माइनस ESP होता है, क्लियर। तो अब इस प्रश्न में क्या कहा है, प्रॉफिट कहा है या लॉस कहा है, सिर्फ आपको इतना देखना होता है। 20 संतरों को बेचने पर 5 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, यानी कि P की बात हो रही है, तो P इज इक्वल टू SP माइनस यहां पर कितना CP। प्रॉफिट पूछा है तो प्रॉफिट का फार्मूला ले लिए, क्लियर। अब कह रहा 20 संतरों को बेचने पर, तो 20 संतरों को बेचने का मतलब है कि अगर हम इधर 20 से गुणा कर दें, क्लियर, चलिए दूसरे में कर देता हूं, अगर यहां पर लिख देंगे 20p तो ये भी क्या हो जाएगा 20sp, 20 संतरों को बेचने पर कॉमा 20cp, बताओ वैल्यू पर कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, समान संख्या से दोनों पक्षों में गुणा भाग करने से वैल्यू के मान पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ये हमने कर दिया। अब क्या है कि 20 संतरों को बेचने पर 5 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, क्लियर, 5 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। अब ये जो हमारा 20 संतरों को बेचने पर 5 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, यानी कि 5CP हो जाएगा, क्लियर, जो हमारा ये मान है, यही तो कह रहा है कि क्या कह रहा है क्वेश्चन, 20 संतरों को बेचने पर 5 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, ये वैल्यू बराबर है। अब इधर आगे कर दो तो ये कितना हो जाएगा 20SP माइनस
20 सीपी। अब ये बताओ सीपी इधर से इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 20 5 25 हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 25 सीपी, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 20 एसपी। क्लियर? अब इसको काट दीजिए तो 5 से काटेंगे तो 25 सीपी, 25 सीपी बराबर 5 चौको 20 एसपी, 5 चौको 20 एसपी, ये हो गया। अब दोस्तों आप जानते हैं कि पहले x का मान होता है कि y का, तो पहले x होता है, तो ये CP पहले कोई चीज़ खरीदी जाएगी तभी तो बेची जाएगी, तो ये हमेशा x होगा और ये हमेशा क्या होगा y होगा। कहने का मतलब जो CP का मान होगा वो सदैव x होगा और हमेशा इसका मान जो होगा वो सदैव बाई होगा। क्लियर? इसको यहां पर ऐसे समझ लीजिए, थोड़ा सा यहां पर ये मान जो हमारा होगा वो सदैव एक्स होगा और ये मान हमारा सदैव बाई होगा। क्लियर? अब एक्स और बाई का एक हम फार्मूला बनाते हैं, उसको देखिए। क्योंकि पहले हमेशा वस्तु खरीदी जाती है और अल्फाबेट में हमेशा एक्स आता है, तो सीपी हमेशा एक्स होगा और एस पी हमेशा बाई होगा। अब यहाँ पर देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट इज इक्वल टू एक्स माइनस बाई अपान बाई, और परसेंट में बदलने के लिए 100 का गुणा परसेंट का चिन्ह लगा देते हैं। बस ये फार्मूला आपके चारों टाइप के प्रश्नों को सॉल्व कर देगा। बस आपको याद सिर्फ इतना रखना है कि अगर वैल्यू प्लस की होगी तो हमारा प्रॉफिट होगा, और माइनस अगर आएगा तो हमेशा हमेशा लॉस होगा। क्लियर? आइए वैल्यू पुट कर देते हैं। तो एक्स का मतलब सीपी 5, तो यहाँ पर हम क्या रख देंगे 5। बाई की वैल्यू कितनी है 4, अपान नीचे कितना है 4, परसेंट में बदलने के लिए 100 का गुणा परसेंट का चिन्ह, तो ऊपर कितना हो जाएगा 1/4 इंटू 100, परसेंट है 4 25 आम में 100 क्या परसेंट 25%। नोट कर लीजिए कितना हो जाएगा 25% हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है, क्लियर? सभी बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। क्लियर? नोट कर लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, जिससे चार हमेशा यही लगाना है, बस केवल प्रॉफिट एंड लॉस देखना है। क्लियर? इतना नोट कर लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट बताता हूँ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10-11 जो भी टाइप हो, 10 या 11 जो भी टाइप हो। क्लियर? बहुत आसान है, बस सेम यही तरीका अपना लीजिए। और भी कई इसके तरीके हमारे पास हैं, कई भी मेथड हैं, लेकिन आप वो समझिए जिससे आपका सिलेक्शन होना है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है, फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। 20 संतरों को बेचने पर 5 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हानि प्रतिशत क्या होगा? अब आपसे हानि पूछी है, तो हानि बराबर हम जानते हैं क्या होता है, सीपी, फिर क्या होता है एसपी। हानि पूछा है, 20 संतरों की बात है तो 20 से इधर गुणा कर दो, 20 से दोनों पक्षों में गुणा कर दो, माइनस इधर 20 हो गया। क्लियर? अब कह रहा है कि 20 संतरों को बेचने पर 5 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। इस जो हानि हो रही है वो 5 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है। क्लियर? बस हो गया। अब इधर वाला पोर्शन यही रख दीजिए, क्या हो जाएगा 20 सीपी, इधर क्या हो जाएगा 20 एसपी। राइट? अब क्या करना है, इसको इधर ले आओ, इसको उधर ले आओ, इसको इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा 20 एसपी, इसको इधर ले जाएंगे 5 घटेगा, क्या हो जाएगा 15 सीपी, 5 से काटिए, तो यहाँ पर 5 चौको 20 एसपी माइनस 5 तिया क्या हो जाएगा 5 तिया 15 सीपी, ये इसके बराबर हो गया। ये दोनों आपस में, ये हमेशा क्या होगा एक्स होगा, ये हमेशा क्या होगा बाई होगा। उठा के फार्मूला रख दीजिए, प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट इज इक्वल टू क्या था एक्स, अब एक्स एक्स की वैल्यू कितनी है 3 माइनस 4 अपान 4, परसेंट में लगा दीजिए, ऊपर 1/ कितना हो जाएगा नीचे 4, ऊपर माइनस का बचा इंटू 100, 4 25 आम में 100, माइनस का 25%, ये क्या करता है कमी को शो करता है, यानी कि 25% की क्या हो जाएगी कमी हो जाएगी, 25% की कमी हो जाएगी। क्लियर? आइए नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं या नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है, सभी बच्चे देखें,
नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है, 12 नंबर टाइप है, टाइप नंबर 12 देखो क्या है। 150 संतरों को बेचने पर, 150 संतरों को बेचने पर 25 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। क्लियर, अब जरा देखो लाभ प्रतिशत क्या होगा, यानी कि प्रॉफिट पूछा है, ये एसपी माइनस सीपी। क्लियर, एक ही फॉर्मूला है चारों टाइप का। अब 150 है तो 150 पी इज इक्वल टू 150 एसपी माइनस 150 सीपी। अब कह रहा है 150 संतरों को बेचने पर 25 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर, तो 25 ईएसपी के बराबर करना है, कर दिए। अब क्या करना है, 150 ईएसपी माइनस 150 सीपी। ईएसपी है इसको इधर ले आइए, इसको इधर ले जाइए, 150 सीपी बराबर ये इसमें से घटेगा 125 क्या बचेगा, एसपी 125 एसपी काट दीजिए, 25 पंचे कटेगा एसपी, 25 पंचे और 25 छक्का कटेगा 6। क्लियर, ये बन गया, ये सदैव एक्स होता है, ये सदैव वाई होता है, वैल्यू पुट कर दीजिएगा तो क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट इज इक्वल टू, बताइए एक्स का मान पहले 6 माइनस 5 अपॉन 5, परसेंट बदलने के लिए 100 का गुणा परसेंट का चिन्ह लगा देते हैं, 1/5 × 100, 2×2 = 20% का प्रॉफिट होगा। क्लियर, 20% का क्या हो जाएगा आपको, प्रॉफिट हो जाएगा। तो इतना समझ में आया कि कितने संतरों के इतने के बराबर, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक ही फार्मूले से आपका सॉल्व हो जाएगा, बस ये चीज आपको याद रखनी है। क्लियर, आइए नेक्स्ट टाइप का प्रश्न देख लेते हैं, टाइप नंबर 13। क्लियर, टाइप नंबर 13 देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, सभी बच्चे यहां पर देखेंगे, टाइप नंबर 13 का प्रश्न है, ये भी प्रश्न आपका आया हुआ प्रश्न है। देखिए क्या है प्रश्न, प्रश्न है 21 अंडों का क्रयमूल, 21 अंडों का क्रयमूल 15 अंडों के विक्रय मूल्य के बराबर है। क्लियर, 15 का क्रयमूल, देखिए अब यहां पर क्या कह रहा है, 21 अंडों का क्रयमूल, 21 अंडों का क्रयमूल 15 अंडों के विक्रय मूल्य के बराबर है, विक्रय मूल्य के बराबर है, ये कंडीशन आपको दी गई है। कहने का मतलब है 21 अंडों का क्रय मूल्य 15 अंडों के विक्रय मूल्य के बराबर है, बराबर है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। अभी क्या करते थे, इसके ऊपर वाले प्रश्न में आप यहां तक लाते थे, क्लियर, सिंप्लीफाई करके यहां तक लाते थे, लेकिन अब ये डायरेक्ट दे दिया जाता है कि 21 अंडों का क्रय मूल्य 15 अंडों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो जरा देखो, हमने आपको अभी बताया था कि इसको सिंप्लीफाई कर लो, सिंप्लीफाई क्या करेंगे, 3 से काटेंगे तो 7 × 21, 3 से कटेगा ये हो जाएगा 7 CP बराबर 3×5 = 15 ESP हो गया। ये मान सदैव एक्स होता है, ये मान सदैव वाई होता है, आप जानते हो प्रॉफिट एंड लेस परसेंट इज इक्वल टू x − y / y% का चिन्ह लगा देते हैं, लगा दीजिए। एक्स की वैल्यू यहां पर कितनी हो जाएगी, 7, वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5, वाई की वैल्यू 5, परसेंट बदलने के लिए 100 का गुणा परसेंट का चिन्ह लगा देते हैं, ऊपर से घटाएंगे तो 5, 6, 7, 2/5 यहाँ पे परसेंट, 5×2 = 10, 2×2 = 4 का परसेंट 40%, कितना हो जाएगा, 40% का प्रॉफिट हो जाएगा। क्लियर, तो दोस्तों ये कभी विक्रय मूल्य क्रय मूल्य के बराबर हो जाता है, क्लियर, या कहेगा इतना लाभ इतने के बराबर हो जाता है, इन सबों को भी इसी रूल से, सिर्फ एक रूल से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, आपका कोई भी प्रश्न नहीं फंसेगा। क्लियर, और नहीं तो किताब और इसमें देखेंगे तो बहुत सारे टाइप दिए गए हैं। तो दोस्तों फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।